हरियाणा प्रदेश में अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन 12 व 13 नवंबर को किया जाएगा। इन परीक्षाओं में लेवल 1, लेवल 2 व लेवल 3 की एचटेट परीक्षाओं का आयोजन होगा, जिसमें डीएलएड व बीएड विद्यार्थी प्रदेश के स्कूलों में अध्यापक बनने के लिए यह परीक्षा देंगे। इस परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने हरियाणा बोर्ड को सहमति दे दी है। यह जानकारी आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह व बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने भिवानी में बोर्ड के 54वें स्थापना दिवस के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं में 3 लाख के लगभग अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। हरियाणा प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 15 से 16 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है, इसलिए इन परीक्षाओं का समय पर संचालन किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को हरियाणा सरकार से एस्टेट कराने की अनुमति मिल गई है। हमारा जो ब्रोशर पास करके सरकार ने भेज दिया है और 12-13 नवंबर को एस्टेट की परीक्षा हरियाणा में कराई जाएगी। ब्रोशर में पास होकर के 29-30 अक्टूबर आया है, लेकिन 29-30 अक्टूबर को एचपीएससी की परीक्षा है और पाँच छः तारीख को एसएसएस की जो कम्बाइंड टेस्ट नेट एनटी के द्वारा ले जाना है उसकी परीक्षा है। तो 12-13 नवंबर खाली बैठता है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12-13 अक्टूबर को एसटेट की परीक्षा लेगा, नवंबर को 12-13 नवंबर को एसटेट की परीक्षा लेगा और उसमें अभ्यर्थियों के जल्दी ही रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 8 सितंबर 1969 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1969 के अंतर्गत की गई। पहली बार सन 1970 में 10वीं कक्षा के 80,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 54 वर्ष बाद आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 80,000 से जो शुरू हुआ था आज 8 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा ले रहा है, जिसके अंतर्गत हरियाणा ओपन बोर्ड, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा, एस्टेट की परीक्षा और संस्कृत डीएलएड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। इस स्थापना दिवस पर मैं सभी बोर्डवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा और साथ ही इस स्थापना दिवस पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हवन किया गया और जिसके अंतर्गत सभी प्राणियों के सुख समृद्धि की और विश्व कल्याण की कामना की गई। धन्यवाद। सर,